हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश आउल। आई एम कृषिका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि साइंस का है। टॉपिक का नाम क्या है? विटामिन्स एंड डेफिशिएंसी डिजीजेस। आप लोगों ने देखा होगा काफी सारे विटामिन्स होते हैं जिसका क्या होता है कि विटामिन्स होते हैं और उनके डेफिशिएंसी डिजीजेस आते हैं। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि बताइए स्कर्वी डिजीज आपको कौन से विटामिन से होता है, और या फिर विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है। तो आज हम यही इस वीडियो के अंदर देखेंगे और मैं ट्राई करूंगी कि आपको सब कुछ यहीं पे ही लर्न हो जाए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। सो सबसे पहले हम एक चीज देखते हैं कि विटामिन्स की थोड़ी सी थ्योरी बता देती हूँ मैं आपको। विटामिन क्या होता है? आपकी बॉडी के लिए ना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं विटामिन्स। हमारी बॉडी में सारे न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं। तो जो विटामिन्स हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले आप देख लीजिएगा कि जो विटामिन्स होते हैं गाइस वो दो तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा वाटर सॉल्यूबल जो कि पानी में घुल जाते हैं, एक होते हैं हमारे फैट सॉल्यूबल। क्या होते हैं? फैट सॉल्यूबल। तो हमारे जो विटामिन, सबसे पहला क्वेश्चन आता है विटामिन जो होते हैं कितने टाइप्स के होते हैं, तो वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं वाटर सॉल्यूबल, एक होता है फैट सॉल्यूबल, पानी में घुलने वाले और फैट में घुलने वाले। तो अब ना क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, आपको कोई भी एक विटामिन दे देंगे और पूछ लेंगे आपसे कि वाटर सॉल्यूबल है या फिर ये फैट सॉल्यूबल है, ये कुछ भी नहीं है। या फिर क्वेश्चन उल्टा भी आ सकता है, आपको दे दिया जाएगा, चार ऑप्शंस दे दिए जाएंगे, पूछ लिया जाएगा इनमें से कौन सा फैट सॉल्यूबल है और कौन सा वाटर सॉल्यूबल है। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, अगर आपको इनकी थ्योरी बताओगे तो आप ऑटोमेटिकली इजिली क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, जो विटामिन्स हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है वाटर सॉल्यूबल, एक होता है फैट सॉल्यूबल। इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। वाटर सॉल्यूबल विटामिन यहाँ पे लिखे हुए हैं और फैट सॉल्यूबल। फैट सॉल्यूबल के लिए छोटा सा हिंट ले लेते हैं, कीड़ा। कीड़ा समझते हैं? कीड़ा, तो कीड़ा, तो हमने क्या करा ना, एक ना मोटा सा कीड़ा आ गया। मोटा का समझते हैं फैट, एक फैट सा कीड़ा आ गया। आप घर में कुछ काम कर रहे थे, फैट सा मोटा सा कीड़ा आ गया। ठीक है, तो यही हमारी ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि फैट सॉल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं? कीड़ा, मोटा कीड़ा है, फैट कीड़ा, फैट कीड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो फैट फैट सॉल्यूबल कौन से होंगे? विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। तो कीड़ा, कीड़ा देख रहे हैं आप, तो कीड़ा जो है हमारा क्या है? फैट सॉल्यूबल है। फैट सॉल्यूबल क्या है? कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। जब आप लोग इसको इस तरीके से याद करेंगे तो आपको क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको बहुत इजीली रहेगा। इसीलिए मैंने इस तरीके से कराया कि आपका कीड़ा जैसा फैट है, तो फैट सॉल्यूबल कौन से हैं? के ई डी ए, कीड़ा, के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। अब जो बाकी बचे होंगे सारे क्या होंगे? वाटर सॉल्यूबल हो जाएंगे ना। कीड़ा तो फैट हो गया, बाकी बचे हुए क्या हो जाएंगे हमारे? वाटर सॉल्यूबल। तो वो देख लेते हैं, वाटर सॉल्यूबल जो होते हैं ना वो विटामिन डी और विटामिन सी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, एक तो विटामिन सी आपका होगा वाटर सॉल्यूबल, पानी में घुल जाएगा, सी और डी। बी के ना गाइस सिक्स होते हैं जो कि वाटर सॉल्यूबल है। वैसे बी के बहुत सारे होते हैं विटामिन के कॉम्प्लेक्स, बी कॉम्प्लेक्स। बी कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं, कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है बी के बहुत सारे और भी रूप है, बी वन, बी टू, बी थ्री, ऐसे। तो कॉम्प्लेक्स उसको बोलते हैं। आप लोगों ने सुना भी होगा ना, जैसे किसी ने ताकत नहीं बोलते, विटामिन बी का सोल के कैप्सूल खा लो, बी कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल खा लो। तो इन सबसे ना मतलब अगर एनर्जी नहीं है या हमारे यहाँ ताकत नहीं है, तो उसके लिए जैसे विटामिन बी का कॉम्प्लेक्स होता है, बी वन, बी टू, बी थ्री, ये सब हमारी बॉडी में चाहिए होते हैं। तो इसकी टैबलेट्स भी आती है मार्केट में जो कि डॉक्टर भी आपको सजेस्ट करते हैं। तब हम लोग क्या करेंगे, विटामिन सी हो गया और एक और कौन सा हो गया, एंड विटामिन बी और सी, ये सब क्या है? पानी। तो कैसे हमने किया? मोटा कीड़ा, फैट कीड़ा, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, और दूसरा हमने क्या किया? वाटर, वाटर में बी और सी। एक तो विटामिन सी तो आ ही गया, और बी के देखो कौन कौन से आएंगे, बी वन, बी टू, बी थ्री, फोर नहीं आएगा, फाइव, सिक्स, ट्वेल्व, कौन कौन से आएंगे? वन, टू, थ्री, फोर को छोड़ दो, फाइव, सिक्स और लास्ट में है ट्वेल्व। तो ये आप लोग को समझ आया, और इसके अंदर पहले मैं आप लोगों को थ्योरी पढ़ाऊंगी, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग देख लेंगे, जिससे कि आपका पूरा क्वेश्चन जो जितना भी आपसे इस टॉपिक पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो इसी वीडियो में हो सके। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं, फैट सॉल्यूबल हो गए कीड़ा और वाटर हो गए बी और सी। बी के सिक्स थे, वन, टू, थ्री, फोर छोड़ दो, फाइव, सिक्स, ट्वेल्व। ठीक है, चलो अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो पूछा जाता है, वो भी पूछा जाता है लेकिन इससे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इसमें हमने क्या किया है, विटामिन का कोई नाम है, जैसे मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, विटामिन ए।
विटामिन ए को किस केमिकल नेम से जानते हैं? तो जैसे कि क्या है रेटिनॉल और डेफिशिएंसी डिजीजेस, उसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, इस तरीके से हम सारे विटामिन को एक एक करके देखेंगे। तो स्टार्ट करें टॉपिक, तो हमारा पेन चेंज कर लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट जो है विटामिन, उसका नाम है विटामिन ए। विटामिन ए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं रेटिनॉल। रेटिनॉल क्या बोलते हैं, विटामिन ए, इसका केमिकल नेम क्या हो गया, रेटिनॉल। क्या हो गया, रेटिनॉल। रेटिनॉल और डेफिशिएंसी से कौन सा डिसीज होगा, नाइट ब्लाइंडनेस। हमने देखा होगा कुछ लोगों को रात में नहीं दिखता, नाइट ब्लाइंड हो जाते हैं वो, या ज़ेरोफ्थाल्मिया। ज़ेरोफ्थाल्मिया मतलब इसमें ना क्या हो जाता है, आईज में ना ड्राइनेस भी हो जाती है। तो जो भी आपका आई साइट से रिलेटेड है ना, आई साइट आंखों से रिलेटेड है ना, वो किससे होता है, विटामिन ए से। विटामिन ए जिसको हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल और उससे हमें कौन सी आईज की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे नाइट ब्लाइंडनेस या फिर ज़ेरोफ्थाल्मिया। क्या बोलते हैं, ज़ेरोफ्थाल्मिया। इसको ड्राई आईज भी बोलते हैं, आंखें बहुत ड्राई हो जाती है, आंखों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, ज़ेरोफ्थाल्मिया। ओके, अब इसको चलो थोड़ा सा देखते हैं कैसे करेंगे कि विटामिन ए किससे, आंखों से। आप लोगों ने सुना होगा आंखों में रेटिना होता है, सुना है ना आंखों में रेटिना, तो वैसे हम छोटी सी ट्रिक कर लेते हैं, विटामिन ए, रेटिनॉल। रेटिनॉल रेटिना आंखों वाला ही ए, और नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोफ्थाल्मिया। आप लोगों ने वैसे ये सुना भी होगा, आप लोग काफी बार जब डॉक्टर के जाते हैं आईज वालों के, तो आप लोगों को बोलते हैं ना विटामिन ए, विटामिन ए चाहिए होता है आपकी आईज के लिए, कि आपके आईज के लिए कैरेट खाओ, ऐसे बोलते होंगे आप लोगों को। तो विटामिन ए किस से रिलेटेड है, हमारा रेटिनॉल केमिकल नेम और डेफिशिएंसी डिजीज के, नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोफ्थाल्मिया। अच्छा, विटामिन ए के लिए ना कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, गोल्डन राइस। क्या बोलते हैं, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस होते हैं उसमें विटामिन ए काफी ज्यादा अमाउंट में होता है, जो कि हमारी आईज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हो गया विटामिन ए, रेटिनॉल, नाइट ब्लाइंडनेस या ज़ेरोफ्थाल्मिया, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब मैं नेक्स्ट बताती हूँ आपको विटामिन बी वन। बी वन, बी के मैंने बताया था ना कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे हैं, बी वन, बी टू, बी थ्री, बी फाइव, बी सिक्स, बहुत सारे हैं। तो अब हम एक एक करके देख लेते हैं। बी वन, पहला बी का क्या नाम है, थियामीन। थियामीन वन, थियामीन ऐसे कर लीजिए, वन थियामीन, थियामीन वन थियामीन, ठीक है। इससे क्या हो जाता है, बेरी बेरी, क्या हो जाता है, बेरी बेरी वन, बेरी बेरी और थियामिन, ऐसे कर लीजिएगा। हर चीज की ट्रिक नहीं चाहिए होती गाइस, किसी किसी चीज को ना बार 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 रेसिटेट करके या बार 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 बोल बोल के भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, बी वन पहला है, ठीक है, केमिकल नेम है थियामिन। थियामिन पहला पहला थियामिन, ठीक है। और आपका डिसीज क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, क्या हो जाएगा, बेरी बेरी, बेरी बेरी। नेक्स्ट उसके बाद हम देखते हैं विटामिन बी टू, सेकेंड बी का जो कॉम्प्लेक्स है, क्या नाम है, राइबोफ्लाविन। इसको हम ऐसे कर लेते हैं, दो पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, राइबोफ्लाविन टू है ना, राइबोफ्लाविन बी टू, राइबोफ्लाविन। इससे क्या हो जाता है गाइस, ड्राई स्किन। देखो ड्राई स्किन में भी दो आ रहे हैं, ड्राई और स्किन, ऐसे कर लेते हैं। तो हमने क्या करा, विटामिन बी टू दो है बी के, क्या नाम है, राइबोफ्लाविन, ऐसे कर लेते हैं, वन टू राइबोफ्लाविन, और होता क्या है इससे, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन, इस तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या आता है, विटामिन बी थ्री, क्या आता है, बी का थर्ड कॉम्प्लेक्स। बी वन हो गया थियामीन, ऐसे करना थियामीन, टू क्या था, राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन, थर्ड क्या आया, नियासीन। नियासीन क्या बोलते हैं, नियासीन। इससे क्या होता है, पेलेग्रा, क्या होता है, पेलेग्रा। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन कैसे आ जाएंगे, क्या बताइए विटामिन बी थ्री का केमिकल नेम क्या है, आपको ऑप्शन में दे देंगे, यही सब दे देंगे, थियामीन, नियासीन, रेटिनॉल या राइबोफ्लाविन। तो अगर आप लोगों को पता होगा कि बी थ्री को क्या बोलते हैं, नियासीन। बस सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कुछ रटने वाली बात नहीं होती, बस एक दो बार पढ़ेंगे ना तो अच्छे से खुद ही याद होता जाएगा। तो हम क्या करेंगे, विटामिन बी थ्री का नाम क्या है, नियासीन, होता क्या है, पेलेग्रा। और कभी कभी ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि पेलेग्रा जो है कौन सा ऐसा विटामिन की हमारी बॉडी में डिफिशियंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तो पेलेग्रा हो जाता है। तो बी थ्री, बी थ्री, ठीक है, थ्री। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन बी फाइव, बी फाइव, पेंटोथैनिक एसिड। पेंटो, पेंटो मतलब पांच, पेंटो, पेंटोथैनिक एसिड, बी फाइव है ना, तो फाइव से हम कैसे कर लेंगे, पेंटो, पेंटो मतलब पांच, ऐसे याद कर लेंगे, फाइव पेंटो, पांच पेंटोथैनिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा बी का सिक्स, क्या है, सिक्स, सिक्स देखिए, पायरोडॉक्सिन, क्या नाम है, पायरोडॉक्सिन, क्या हो जाता है, अनीमिया। बोलते हैं ना आप लोगों में आयरन की कमी हो गई है, खून की कमी हो गई है, डॉक्टर बहुत बार बोलते हैं अनीमिया हो रहा है ना, तो वही, तो इसलिए आपको B6, B6 चाहिए होगा उस टाइम पे, पायरोडॉक्सिन।
तो इसको मैं यहाँ पे एक बार दोबारा रिवाइज करा देती हूँ, फिर हम और आगे देखते हैं। सबसे पहले कैसे हुआ, विटामिन ए, ए का नाम क्या था, मैंने क्या बताया था, रेटिनॉल, रेटिना आंखों से मैंने करवाया था ना, रेटिनॉल। और उससे क्या हो जाएगा हमारा, ज़ेरेफ्थैल्मिया, आंखों में ड्राइनेस आ जाएगी, या फिर क्या हो जाएगा हमारा, नाइट ब्लाइंडनेस, वो भी आंखों से रिलेटेड था। पहला बी वन, अब क्या हुआ, ए खत्म हो गया, ए का बस एक ही, बी तो पूरा कॉम्प्लेक्स है, उसके तो बहुत सारे होते हैं, हमें अच्छे से याद भी करने हैं, तो बी वन पहला क्या था, थियामीन, थियामीन था, थियामीन, और इससे क्या हो जाता है, बेरी बेरी, बेरी बेरी, ठीक है। सेकेंड में मैंने क्या बनाया था, दो, टू चाहिए होगा, तो हम कैसे कर रहे थे, राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन दो कर दिया था। और प्रॉब्लम क्या होती है, ड्राई स्किन, ड्राई स्किन ऐसे कर लेंगे। थ्री का नाम क्या था, नियासिन, नियासिन, और इससे क्या हो रहा था, पेलेग्रा, क्या होता है, पेलेग्रा। फाइव को कैसे किया था, फाइव पेंटो, पेंटो था पेंटोथोनिक एसिड। सिक्स को कैसे किया था, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, और इससे क्या हो रहा था, अनिमिया, अनिमिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं B7, गाइस ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है B7, इसको काफी बार केमिकल में पूछ लिया जाता है, क्या नाम है, बायोटिन। आप लोगों ने देखा होगा कि बोलते हैं जैसे किसी के बाल, मतलब अच्छे ने या किसी के बालों की कोई प्रॉब्लम हो रही है तो बोलते हैं बायोटिन, बायोटिन की जरूरत है उनके अंदर, है ना। तो बायोटिन ना बेसिकली हेयर फॉल से मेनली होता है एसोसिएटेड, तो क्या बोलेंगे उसका नाम क्या होता है, B7, ये ध्यान रखिएगा, बायोटिन, सेवन वाला बायोटिन, मतलब बायोटिन, और किससे है, हेयर फॉल या फिर इसे एलोपेशिया भी होता है, एलोपेशिया या हेयर फॉल। आप हेयर फॉल से ध्यान रखेंगे कि बालों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, ये ड्राई हो रहे हैं या फिर कुछ भी हेयर फॉल हो रहा है, तो किस चीज की जरूरत पड़ रही है, B7, बायोटिन। आप लोगों ने देखा कि होगा शैम्पूस में भी आजकल बायोटिन आ रहा है, तो वो इसीलिए होता है विटामिन हेयर्स के लिए, तो कौन सा होता है हमारा, हेयर फॉल के लिए बायोटिन। नेक्स्ट आता है B9, नाइन्थ ग्रुप क्या है इसका, फॉलिक एसिड, फॉलिक एसिड, B9 क्या है, फॉलिक एसिड। इससे भी क्या होता है, अनीमिया। अब ऐसे ध्यान रखेंगे कि जो बी है मोस्टली है ना, एक दो को छोड़ के मोस्टली अनीमिया ही, मतलब उसकी डेफिशिएंसी से अनीमिया ही हो जाता है, तो हमारे 9 में भी क्या हो जाएंगे, अनीमिया, फॉलिक एसिड अनीमिया, ठीक है। B12 गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मैं दूसरे पेन से भी कर देती हूँ। देखिए B12 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कौन सा ऐसा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट, ध्यान रखिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, तो वो कौन सा है, बी का लास्ट वाला क्या है, 12, इसका नाम में ही कोबाल्ट आ रहा है, देखिए कोबाल्टीन आ रहा है ना, तो इसके अंदर कौन सा हमारा एलिमेंट है, कोबाल्ट, इसमें होता है बी 12 में, 12 में क्या होता है, कोबाल्ट, कोबाल्टीन, कोबाल्ट, और इससे क्या होता है, अनिमिया होता है, तो बी में सारे अनिमिया ही है। नेक्स्ट इज, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन सी, बार बार SSC या NTPC या जोन से भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बार बार क्वेश्चन पूछते हैं, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या नाम है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे आना ना सीखिए, देखो कितनी साउंड प्रोमिनेंट हो रही है एस्कॉर्बिक एसिड में, यहाँ पे भी सी, तो ऐसे याद कर लीजिए, विटामिन सी, सी किस चीज से मिलता है ये बताइए, आपने सुना होगा खट्टे जितने भी फ्रूट्स हैं, ऑरेंज हो गया आपका, लेमन हो गया, जो भी खट्टी चीजें हैं ना उसके अंदर विटामिन सी होता ही होता है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या हो गया, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइन। इसकी कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी या ब्लीडिंग गम्स, आप लोगों ने हो कभी कभी, आप लोग जैसे ब्रश करते हो टीथ में से गम्स में से ना ब्लीडिंग होने लग जाती है, किसकी कमी से होता है, आप लोग खट्टा नहीं खा रहे हैं उसकी कमी से हो जाता है, तो हमारा स्कर्वी या ब्लीडिंग गम्स इसी को बोलते हैं, किसकी कमी से होता है, विटामिन सी, जिसका नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, और क्या चाहिए होता है उसके लिए, ऑरेंज, लेमन, खट्टी चीजें जो भी होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन डी, अच्छा कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे को सनलाइट से प्राप्त होता है, बताइए, बहुत बार बोला जाता है इसको सनशाइन विटामिन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन, कौन सा होता है, विटामिन डी। तो अगर आपके अंदर विटामिन डी कमी है तो थोड़ी देर 1 घंटा या 2 घंटे धूप में बैठिए और आपके अंदर विटामिन डी ऑटोमेटिकली बनने लग जाएगा, आपकी स्किन में विटामिन डी खुद सिंथेसिस होने लग जाता है, कि एक ऐसा विटामिन है जो हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज करती है, जैसे ही वो सनलाइट की उसमें आती है, टच में आती है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली ये वाला बनने लग जाता है विटामिन डी। जिसका नाम क्या होता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, ऐसा लग रहा है ना, कैल्शियम, कैल्सीफेरॉल, होता क्या है, रिकेट्स, इसकी कमी से क्या होता है, रिकेट्स, होता क्या है गाइस, कि विटामिन डी आपकी हड्डियों के लिए, आपके बोन्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम बोलते हैं ना आपको, बोन्स अगर अपने स्ट्रॉन्ग करनी है, कैल्शियम खाओ, दूध पियो, दूध में भी कैल्शियम होता है, तो वही है हमारा विटामिन डी, कैल्शियम चाहिए होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। और हो क्या होता है, रिकेट्स, रिकेट्स में क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कुछ कुछ लोगों के पैर ऐसे बेंड हो जाते हैं, नीज ऐसे बेंड हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाता है, उनको हड्डियों की प्रॉब्लम हो जाती है,
तो क्या हो जाता है, रिकेट्स। रिकेट्स जो होते हैं हमारा बोन डिफॉर्मेशन हो जाते हैं। किसी किसी बच्चों के हमने देखा होगा स्टेडी लेग्स होती हैं, उन सबको रिकेट्स हो जाते हैं। उनके तो विटामिन डी की कमी हो जाती है, डी, ठीक है। इसको सनशाइन, तो उनको सनलाइट में बिठाओ, ऐसा बोलते हैं ना, सनशाइन विटामिन बोलते हैं विटामिन डी को, सनशाइन विटामिन, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है, इसलिए आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्या आता है हमारा, विटामिन ई। ई, अच्छा विटामिन ई का भी एक बहुत प्यारा नाम है, क्या नाम है, ब्यूटी विटामिन, क्या बोलते हैं इसको, सुंदरता के लिए विटामिन चाहिए ना, तो आप लोगों को विटामिन ई कंज्यूम करना चाहिए। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, आप लोगों ने शायद देखा होगा ग्रीन कलर की टैबलेट्स आती हैं विटामिन ई की, जो अपने फेस पे लगाओ या फिर कंज्यूम करनी है, बस आपको ब्यूटी के लिए होता है। तो उसे ब्यूटी विटामिन कौन सा होता है, तो हमारा ब्यूटी विटामिन होता है विटामिन ई। कौन सा होता है, विटामिन ई। तो आप ये ध्यान रखेंगे, विटामिन ई, इसका नाम बहुत बार पूछ लिया जाता है, टोकोफेरॉल, क्या पूछ लिया जाता है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन या टोकोफेरॉल, विटामिन ई को बोलते हैं ई। और इससे क्या होता है, इनफर्टिलिटी, मतलब जो लोग बेबीज की, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है इनफर्टिलिटी की, वो होता है विटामिन ई, क्या नाम है, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ब्यूटी विटामिन भी और इनफर्टिलिटी के लिए भी। नेक्स्ट आता है विटामिन के, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है कि ब्लड क्लॉटिंग, कुछ लोग होते हैं उनको कोई कट लगा तो उनका ब्लड ना क्लॉट ही नहीं हो रहा, वो खून बंद ही नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट है कि आपके ब्लड अगर लगे, मतलब आपको कोई चोट लगे तो ब्लड उसी टाइम क्लॉट हो जाए, कौन सा है, वो है हमारा विटामिन के। इसका ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसको बोलते हैं क्या, फाइलोक्यूनिन, क्या बोलते हैं, फाइलोक्यूनिन, फाइलोक्यूनिन। तो आप लोगों को समझ आया, इसको मैं एक बार दोबारा ब्रीफ कर देती हूँ। विटामिन बी सेवन, सेवन मतलब बायोटिन, किसके लिए था, हेयर फॉल या एलोपेशिया। विटामिन बी नाइन, फॉलिक एसिड, अनीमिया। बी ट्वेल्व, बार बार पूछा जाता है कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट होता है, तो बी का लास्ट वाला याद कर लिया, बी ट्वेल्व, कोबाल्टिन, कोबाल्ट, अनीमिया। विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। स्कर्वी या ब्लीडिंग गम्स किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट, सिट्रस होता है ना, नींबू, कोई भी खट्टे फ्रूट, सिट्रस फ्रूट्स बोलते हैं। विटामिन डी, सनशाइन विटामिन बोलते हैं डी को, सनलाइट में लेने से आता है। कैल्सिफेरॉल, कैल्शियम की कोई भी कमी है। रिकेट्स, रिकेट समझते हैं आप लोग, जो जिसमें बोन डिफॉर्मेशन हो जाती है उस, इसकी कमी से रिकेट्स हो जाता है। विटामिन ई, जिसको हम ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है टोकोफेरॉल, और इससे क्या हो जाता है, इनफर्टिलिटी। नेक्स्ट इज विटामिन के, जिसका केमिकल नेम है फाइलोक्यूनिन, और इससे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, ठीक है गाइस। तो ये हो गए हमारे सबके केमिकल नेम्स और डिसीजेस। तो अब हम नेक्स्ट क्या देख रहे हैं, विटामिन और उनके सोर्सेज। मोस्टली क्वेश्चन तो उनके केमिकल नेम्स और डिफिशियंसी डिसीजेस से आते हैं, बट सोर्सेज से भी कभी कभी क्वेश्चन पुट हो जाता है, तो मैं नहीं चाहती आपका विटामिन और डिसीजेस से कोई भी क्वेश्चन रह जाए, इसलिए मैं इसी वीडियो में हर चीज जितनी भी मुझे इंपॉर्टेंट लग रही है वो जरूर बताऊंगी, ठीक है। तो हमारा विटामिन एंड उनके सोर्सेज के बारे में देखेंगे, तो हम देखते हैं सबसे पहले विटामिन ए, क्या था इसका गाइस नाम, मैं यहाँ पे दोबारा लिख देती हूँ, रेटिनॉल। मैंने बोला था ना आंखों के लिए, आप लोगों ने सुना होगा डॉक्टर्स के पास जाओ तो वो बोलते हैं आईज की किसी को प्रॉब्लम है या कुछ भी आई साइड की, तो बोलते हैं फिश ऑयल खाओ। आप लोगों को टैबलेट भी दी जाती है फिश कॉड ऑयल वाली, उसके अंदर क्या होता है कि फिश का तेल डाला होता है, क्योंकि फिश कॉड ऑयल जो है विटामिन ए का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है। और दूसरा इंपॉर्टेंट सोर्स मैंने आपको कौन सा बताया, गोल्डन राइस, सुनहरे चावल होते हैं, काफी महंगे होते हैं लेकिन उसके अंदर विटामिन ए काफी ज्यादा अमाउंट में होता है। तो विटामिन ए फिश ऑयल, उसके बाद आप लोगों ने सुना ही होगा ग्रीन वेजिटेबल जितनी भी होती है हमारी उनके अंदर तो होएगा ही विटामिन ए, क्योंकि आंखों के लिए होते हैं ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। उसके अलावा मिल्क, एग, चीज, उसके बाद पोटैटो, ड्राई फ्रूट्स, ये देखिए लिवर ऑयल, ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है ना शक्करकंदी, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है विटामिन ए का सोर्स, ठीक है, वो भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है विटामिन बी। अब इसके अंदर बी को इन्होंने मतलब ये नहीं करा कि एक एक का बताएंगे, बी वन बी टू, एक इन जनरल हम विटामिन बी ले लेते हैं, ठीक है। तो वेजिटेबल्स में, ब्रैन में, यीस्ट में, मिल्क के जितने प्रोडक्ट्स हैं, एग में, तो आपको बोलते हैं ना ऑलवेज आपको एक बैलेंस डाइट लेनी चाहिए, मतलब आपको अपनी डाइट में मिल्क, एग हो, ग्रीन वेजिटेबल्स हो, उसके अलावा स्प्राउट्स हो, ये सब कुछ होना चाहिए आपकी डाइट में, क्योंकि क्या होता है विटामिन ए बी सी, आपके अंदर विटामिन किसी भी तरीके की कमी हो तो आपकी बैलेंस डाइट लेंगे तो कोई ना कोई विटामिन हर एक चीज से आप देख ही रहे हैं मिल रहा है, तो सारी आपकी जो प्रॉब्लम है ठीक हो जाती है। अब देखिए विटामिन सी मैंने बताया था ना वहां पे, क्या नाम था इसका, एस्कॉर्बिक एसिड, क्या था, एस्कॉर्बिक एसिड, बताया था आप लोगों को एस्कॉर्बिक एसिड। तो एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी, कौन से फ्रूट्स बताए थे मैंने आपको, सिट्रस फ्रूट्स बताया था ना, खट्टे खट्टे जितने भी होते हैं, कौन कौन से होते हैं लिख देती हूँ, लेमन,
ऑरेंज, ये जितने भी होते हैं ना कि लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, एक्सेट्रा, जितने में भी खट्टा बना आएगा ना वो होता है। स्कर्वी और ब्लीडिंग गम से एसोसिएटेड था ये। तो विटामिन सी, विटामिन डी, क्या बोलते थे इसको दोबारा बता देती हूँ, सनशाइन विटामिन। सनशाइन आपको सूरज के मिलाएंगे, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है। किस चीज से मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो सनलाइट ही हो गया, बाकी एग से, चीज से, मिल्क से, कैंडल, लिवर ऑयल भी काफी इंपॉर्टेंट होता है, फिश कॉड ऑयल भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब कुछ भी आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। तो विटामिन डी सनलाइट से बेसिकली सबसे ज्यादा होता है। विटामिन ई, जिसका नाम क्या था, टोकोफिरॉल, क्या था, टोकोफिरॉल। एक और नाम क्या था, ई है ना, ये देखिए ब्यूटी में भी ई आ रहा है, ब्यूटी है ना, ब्यूटी विटामिन बोलते हैं। क्या नाम था, ई। किससे मिलता है, स्प्राउटेड ग्रीन, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, घी, मिल्क, इन सबसे। तो विटामिन ई ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन। विटामिन बी सेवन आ गया ना, बायोटिन, बताया था मैंने आपके बालों के लिए, एग्स हो गए, पीनट्स हो गए, चॉकलेट हो गई, वेजिटेबल, फ्रूट्स, ये सब जो है हमारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान रखना है विटामिन ई जो कि हमारा ब्यूटी विटामिन है, विटामिन डी जो कि हमारा सनलाइट विटामिन है, सेवन जो कि हमारा बायोटीन है, सी जो कि हमारा एस्कॉर्बिक एसिड है। ठीक है, और इन सबके ये सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेस। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो अब हम लोग देख लेते हैं, जितनी भी थ्योरी थी वो मैंने सारी आपको बता दी, अब हम लोग देख लेते हैं इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, क्योंकि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं जो पेपर में आएंगे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आर, ऑप्शंस क्या है, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ द अबव। ये तो मैंने आपको सबसे पहले ही बता दिया था कि जो विटामिन होते हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, एक होते हैं हमारे फैट सोल्यूबल, एक होते हैं हमारे वाटर सोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल और फैट, फैट में क्या बताया था मैंने आपको, कीड़ा, और इसके अंदर कौन से बताए थे फैट में, बी और सी। बी के कितने थे, सिक्स, और सी सी बी के जो कॉम्प्लेक्स है ना उसमें से सिर्फ सिक्स थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या था, क्या सिर्फ फैट है, नहीं, क्या सिर्फ वाटर है, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, फैट भी हो सकते हैं और वाटर भी हो सकते हैं। नेक्स्ट इज फैट सोल्यूबल विटामिन आर, फैट सोल्यूबल जो विटामिन होते हैं, क्या था फैट हमारा, कीड़ा हमारा फैट था ना, के ई डी ए। तो देखिए, तो क्या बोल रहे हैं, इसके अंदर ई भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ए भी आ रहा है ना, तीनों आ रहे हैं ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। और इसके साथ एक और कौन सा हो जाएगा, विटामिन के, जिसका केमिकल नाम क्या था, फाइलो क्यूनिन, क्या था, फाइलो क्यूनिन। ठीक है, नेक्स्ट, हु इज द फादर ऑफ द वर्ड विटामिन, विटामिन के फादर किसको बोला जाता है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, नहीं, रॉबर्ट कोच, एम डेविस, या कैसिमर फंक। तो आप लोग ध्यान रखेंगे जो विटामिन होते हैं उसके फादर कौन होते हैं, तो ही इज कैसिमर फंक। आप ऐसे याद रखेंगे, विटामिन फंक, विटामिन फंक। ठीक है, विटामिन फंक। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, विच विटामिन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। ये तो मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया ना, सनलाइट विटामिन कौन सा था, विटामिन डी, सनशाइन विटामिन भी बोलते हैं, तो विटामिन डी। तो विटामिन जो मेरा डी है उसको क्या बोलते हैं, सनशाइन विटामिन। ठीक है, नेक्स्ट इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेस द फेलियर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग किसकी कमी की वजह से होती है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए, के, बी, डी, या ए। ए से क्या होता था, ड्राई आईज, या फिर जेरोफ्थैल्मिया, और एक और क्या था इससे, नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों की जो भी प्रॉब्लम है वो ए से है, नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्या था, डी से क्या था, रिकेट्स, जो भी बोन्स में प्रॉब्लम होगी, बी से तो बहुत सारे थे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, के। तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन सा होता है, फाइलोक्यूनिन, क्या बोलते हैं, फाइलो क्यूनिन बोलते हैं, इसका केमिकल नेम है, और इससे क्या हो जाती है, ब्लड क्लॉटिंग का डिसऑर्डर हो जाता है। अगर किसी के अंदर के जो विटामिन है वो कम बन रहा है, तो उसके अंदर ब्लड क्लॉटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, उसका ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है। ठीक है, रेटिनॉल इज विटामिन कौन सा था, आंखों का सबसे पहला ए, रेटिनॉल, बताया था ना रेटिना से, ड्राई आईज से, तो क्या हो जाएगा आंसर, विटामिन ए, रेटिनॉल इज विटामिन ए, यहाँ लिख देती हूँ, रेटिनॉल। ठीक है, अच्छा सी का नाम भी बता दो, ये भी दोबारा, एस कॉर्बिक एसिड। डी का क्या था, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और के का क्या था, फाइलोक्यूनिन।
तो ये मैं बार बार इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि जरूरी नहीं है क्वेश्चन यही आएगा कि रेटिनॉल इज विटामिन, आपको ऐसा भी आ सकता है कैल्सिफेरॉल इज विटामिन डैश तो डी, फाइलोक्विनिन इज विटामिन डैश तो के, और एस्कॉर्बिक एसिड इज विटामिन सी, तो कुछ भी आए। ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ इसलिए बताए कि इस तरीके के आते हैं, आ इनमें से कुछ भी सकता है, तो आप लोगों को जो मैंने पहले सारा समझाया वो अच्छे से देखना है फिर क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। ओके, विटामिन बी टू कैसे कराया था मैंने आपको, टू हमने दो में तोड़ दिया था, याद है आप लोगों को, ड्राई स्किन क्या था, राइबोफ्लेविन, राइबो एक फ्लेविन दो, बी टू, थियामिन किसका था, बी वन, बी वन, कोबाल्टमिन किसका था जिसमें मैंने बताया था आपको कोबाल्ट भी हो सकता है, बी ट्वेल्व, क्या था, बी ट्वेल्व, ठीक है। पायरोडॉक्सिन कौन सा था, फाइव नाइन, तो पेंटा था, उसके नेक्स्ट ही था ना बी सिक्स, तो आप लोगों को ये भी आ सकता है इस तरीके से कि विटामिन बी ट्वेल्व इज ऑल्सो नोन एज, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, कोबाल्टमिन। विटामिन बी सिक्स इज नोन एज, क्या आ जाएगा, बी सिक्स, तो आ जाएगा पायरोडॉक्सिन। विटामिन बी वन इज नोन एज थियामिन, विटामिन बी टू इज नोन एज राइबोफ्लेविन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, राइबोफ्लेविन, ये ठीक है। नेक्स्ट इज विच इज द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन चिल्ड्रन वर्ल्ड वाइड, बच्चे जो आंखों की प्रॉब्लम से या ब्लाइंड हो रहे हैं ना वर्ल्ड वाइड, कौन सा विटामिन है। अभी मैंने बताया था आंखों की कोई भी प्रॉब्लम आएगी, ज़ेरोफ्थैल्मिया आएगी, नाइट ब्लाइंडनेस आएगी, ब्लाइंडनेस आएगी, कौन सा है, विटामिन ए, क्या था, विटामिन ए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ क्या बोल देंगे, विटामिन ए की डेफिशियंसी की वजह से आएगा, विटामिन ए की डेफिशियंसी की वजह से। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डेफिशियंसी कॉज बेरी बेरी, बेरी बेरी किससे था, विटामिन बी वन, जिसका नाम क्या होता है, थियामिन, थियामिन, टू का नाम क्या था, राइबो फ्लेविन, बी ट्वेल्व क्या था, कोबाल्टमिन, और बी सिक्स क्या था, पायरोडॉक्सिन, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो कौन सा विटामिन है जिसकी वजह से बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी बी वन, बेरी बेरी बी वन। व्हिच इज अनदर नेम ऑफ कोबाल्टमिन, कितनी बार बता चुके हो, विटामिन बी ट्वेल्व, बी ट्वेल्व सबसे लास्ट वाला है, कोबाल्टमिन, क्या होता है इसके अंदर, कोबाल्ट, ये भी बहुत बार पूछ लिया जाता है कौन से, तो आपको ये कोबाल्टमिन नहीं दिया होगा, तब ये ऑप्शन दिए होंगे कि ऐसे क्वेश्चन दे दिया जाएगा, इनमें से कौन सा विटामिन है जिसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंट होता है, ट्वेल्व में, टू में, सिक्स में, इलेवन में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे लास्ट वाला दैट इज बी ट्वेल्व में कोबाल्ट होता है, कोबाल्टमिन। नेक्स्ट इज डेफिशियंसी ऑफ नियासिन इज कॉज ड्यू टू द डेफिशियंसी ऑफ, तो नियासिन, नियासिन कौन सा था, विटामिन बी थ्री था, नियासिन, नियासिन जो है विटामिन बी थ्री को बोलते हैं, उसकी डेफिशियंसी की वजह से क्या हो जाता है, पेलेग्रा, बताया था मैंने आप लोगों को, पेलेग्रा, 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 ध्यान रखिएगा। स्कर्वी किसकी कमी से था, विटामिन सी की, और रिकेट्स विटामिन डी की, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है तो हम अच्छे से करेंगे इसे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल विटामिन, आया था ना पहले, तो क्या था, मैंने बार बार बताया, फैट तो था हमारा कीड़ा, और वाटर क्या था, बी सी, बी सी, ठीक है, बी एंड सी, बी के सारे कॉम्प्लेक्स, मतलब छह कॉम्प्लेक्स, और विटामिन सी, तो इनमें से देख लेते हैं, पानी वाला बी और सी है ना, तो ये बी वन, बी टू, सी सब है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो गाइस विद दिस वी आर कंप्लीटेड विद ऑल द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो भी हमारे विटामिन और डेफिशियंसी डिजीजेस की हो सकती थी। आप लोग इस वीडियो को दो से तीन बार देखेगा, इससे बाहर आपको विटामिन की जितनी भी डेफिशियंसी डिजीजेस और उसके जो केमिकल नेम्स है उससे नहीं आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, और उसके बाद आप इसको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको भी करिएगा, तो आपका ये पूरा टॉपिक साइंस का एक छोटा सा टॉपिक था ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। विद दिस थैंक यू।